देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया, जो शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसने उन लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है जो शराब के शौकीन हैं। वही जब इन लोगों को ये पता चला कि 2 दिन के कर्फ्यू में शराब की दुकानें भी बंद रहने वाली हैं, तो लोग शुक्रवार सुबह से ही शराब की दुकानें के बाहर लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आने लगे। शराब की दुकानों पर लगी लाइनें। बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सरकार ने सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में शराब पीने या वीकेंड पर पार्टी करने वाले लोग शुक्रवार सुबह से ही शराब खरीदने लगे। इसी वजह से शराब की दुकानें के आगे लोगों की लंबी लाइनें दिखाई दी जाने लगी है। नई नीति के तहत महंगी हुई शराब। वही जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर इलाके की एक शराब की दुकान को सील कर दिया था, क्योंकि दुकान पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था। इसी को देखते हुए हौसखस के SDM ने दुकान सील करने का आदेश दिया था। बता दें कि पिछले साल 16 नवंबर से दिल्ली में आबकारी नीति के तहत शराब की 849 दुकानें खोली गई थी। वही इस नीति तहत दिल्ली में शराब 9 से 10% महंगी भी कर दी गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।